हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश एंड वर्कशीट नंबर 7 एंड दिस वर्कशीट फॉर 22nd ऑफ जुलाई 2021। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। यहां पे आप अपना नाम लिखेंगे और इंग्लिश की क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, राइट। तो डियर स्टूडेंट आज फिर से हमने जो इससे पहले हमने मच और मैनी पढ़ा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट में फ्यू एंड लिटल, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। इन दिस वर्कशीट यू विल लर्न अबाउट फ्यू एंड लिटल। टू टॉक अबाउट स्मॉल क्वांटिटीज वी यूज फ्यू, यानी स्मॉल क्वांटिटीज के लिए हम जो है ना फ्यू यूज करते हैं और लिटल यूज करते हैं, राइट डियर स्टूडेंट। तो इसे हम प्रॉपर वे में समझते हैं। फ्यू इज यूज विथ countable noun। आपको याद रखना डियर स्टूडेंट, फ्यू जो है ना countable noun के साथ यूज होता है। refers to a small number, यानी एक छोटे से संख्या को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए फ्यू का यूज करते हैं। फ्यू मीन्स वर्चुअली नन और ऑलमोस्ट जीरो, यानी ना के बराबर, ठीक है, उसमें हम फ्यू यूज करते हैं। और फ्यू एक countable noun होता है जिसमें काउंट किया जा सकता है। वेयर एज द लिटिल, लिटिल इज यूज विद द अनकाउंटेबल नाउन। लिटिल जो है ना डियर स्टूडेंट अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। और रेफर्स टू ए स्मॉल अमाउंट, और ये भी स्मॉल अमाउंट की बात कर रहा है। एंड लिटिल मीन्स नॉट मच, और लिटिल मीन्स नॉट मच यानी ज्यादा नहीं, अधिक नहीं, यानी कि ये स्मॉल अमाउंट के साथ ये भी हो रहा है बट ये अनकाउंटेबल नाउन, और फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ। रिमेंबर इट डियर स्टूडेंट, whenever you will use few or little, first of all you should identify countable or uncountable, यानी वो countable है या uncountable है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें जो है ना आगे आप देखते examples। he has few good friends, यानी उसके पास कुछ अच्छे दोस्त हैं, right? Not enough good friends, ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं है। Not enough इसका मीन्स ये हुआ डियर स्टूडेंट, बट यहाँ एक नंबर है यानी countable है, कुछ फ्रेंड्स है। Few people attended the wedding, कुछ लोग वेडिंग सेरेमनी में आए, यानी शादी में आए और शादी पार्टी को अटेंड वगैरह किया, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल्स। लिटिल, लिटिल मीन्स अनकाउंटेबल नाउन। वी हैव लिटिल टाइम सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग, हमारे पास बहुत ही छोटा सा टाइम है, कम समय है, नॉट मच टाइम, ज्यादा नहीं है, इसी लेकर के वी हैव लिटिल टाइम, हमारे पास कम समय है, सो इसलिए लेट्स स्टार्ट वर्किंग, चलिए हम काम करना स्टार्ट करते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज डियर स्टूडेंट, He has little patience with others. उसके पास थोड़ा सा patience है दूसरे के लिए, थोड़ा सा little, यानी uncountable noun और countable noun। तो by and large dear student, आपको few के साथ आप इतना याद रखेंगे, ये countable noun होता है, ठीक है, जिसको हम count कर सकते हैं और few amount के लिए use होता है। और little का आप use लिखेंगे dear student, लिटल का आप जो है ना अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, और ये हमेशा स्मॉल क्वांटिटीज के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट। नाउ लेट्स सी द फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यू एंड और लिटिल। फ्यू और लिटल से हमें इसे फिल अप करना है, राइट। तो चलिए इस सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम फिल अप करते हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट। Fill in the blanks with few or little. You made few mistakes. यानी हमने कुछ mistakes किए हैं, यानी वो countable noun है, well done। जैसे teacher हमें कभी जब आप class में होते हैं तो आप कम गलती करते हैं, जैसे कि आपका paper हुआ और आपने 80 marks का paper हुआ, आपने 75 plus लाया, तो teacher कहते हैं you made few mistakes, well done, शाबाश, you can do better whenever you will practice regularly, ठीक है। He had few money, यानी उसके पास कुछ money है, पैसे हैं, when he shifted to Delhi, जब वो shift हुआ था Delhi,
ही कुडंट अफोर्ड मच, वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते. तो फ्यू, फ्यू मीन्स काउंटेबल यहाँ यूज हो रहा है डियर स्टूडेंट. एंड थर्ड वन इज इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट एंड सी हैड लिटिल वाटर. ये काफी एक्सट्रीमली हॉट है और उसके पास क्या है, थोड़ा सा वाटर है लेफ्ट इन द हर बॉटल, यानी उसके पास बॉटल में थोड़ा सा पानी है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, यानी वाटर क्या अनकाउंटेबल नाउन है. राइट डियर स्टूडेंट, अनकाउंटेबल नाउन. द बस सर्विसेज इजंट वेरी गुड एट नाइट, यानी रात में बस सर्विस अच्छा नहीं होता. देयर आर फ्यू बसेस आफ्टर 10 o'clock, यानी कुछ सर्विसेज 10 बजे के बाद होता है. ठीक है. फ्यू यानी नंबर में है, काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ हम फ्यू यूज करेंगे. राइट. एंड फिफ्थ वन इज देयर वर फ्यू पीपल इन द मेट्रो ट्रेन सो वी ईजली गॉट ए सीट. कुछ लोग हैं मेट्रो ट्रेन में, इस लेकर के हम आसानी से सीट ले सकते हैं, सीट पे बैठ सकते हैं, ले चुके हैं. राइट. बैठ सकते हैं, जब भी हम जाते हैं तो बैठते भी हैं. राइट. तो फ्यू डियर स्टूडेंट ये काउंटेबल के लिए यूज हो रहा है. राइट. एंड हरी अप, जल्दी करो, वी हैव गॉट लिटल टाइम बिफोर द ट्रेन लीव्स, यानी हमारे पास बहुत कम समय है, यानी ट्रेन जाने से पहले हमारे पास बहुत कम समय, इसलिए जल्दी करो और पहुंचो स्टेशन. राइट. तो यहाँ पे हम जो है ना लिटल का यूज किए हैं डियर स्टूडेंट. टाइम इन कंटेक्स्ट ऑफ टाइम, लास्ट ईयर द सिटी रिसीव्ड लिटल रेन. लास्ट ईयर सिटी में थोड़ा सा बारिश हुआ. ठीक है. फ्यू बिल्डिंग इन द सिटी हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी, और कुछ बिल्डिंग में जो है ना डियर स्टूडेंट क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी है. एंड नाउ 8 नंबर है, सम डेजर्ट एनिमल्स लिव अंडरग्राउंड. कुछ एनिमल्स जो है ना, डेजर्ट एनिमल्स अंडरग्राउंड रहते हैं. दे स्पेंड लिटिल टाइम, वो थोड़ा सा समय व्यतीत करते हैं इन द सन एंड ओनली कम आउट इन द नाइट, और केवल वो रात में बाहर आते हैं और थोड़ा सा सन के सूरज की प्रकाश में आते हैं. ठीक है. नाउ वी आर डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9. देर इज डैश लिटिल डैट यू कैन डू अबाउट द सिचुएशन, यानी सिचुएशन के अबाउट, यानी लिटिल कम चांसेस है. ठीक है. अनकाउंटेबल नाउन. देयर आर फ्यू पीपल सी रियली ट्रस्ट इट इज वाइट सेड, यानी कुछ पीपल जो है ना क्या है वास्तव में ट्रस्ट करते, यानी फ्यू यानी काउंटेबल नाउन है. राइट. एंड 11th है डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट वन है, पहले मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, इस चैनल पे आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है. ठीक है. तो इस लेकर के आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक स्कूल ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा. एक बार देखिए, अच्छे से बार बार देखेंगे आप वीडियो को, और ज्ञान के लिए भी पढ़िए, वीडियो को कम्प्लीट देखिए. चलिए नेक्स्ट. अरुण इंजॉय पेंटिंग, अरुण पेंटिंग को इंजॉय करता है. ही हैज लिटिल इंटरेस्ट इन द लर्निंग म्यूजिक, उसके पास थोड़ा सा इंटरेस्ट है म्यूजिक सीखने में. राइट. तो लिटिल, लिटिल मतलब इतना थोड़ा है जो अनकाउंटेबल है, फीलिंग्स अनकाउंटेबल होती है. ठीक है. सी हैज फ्यू डेज, यानी कुछ दिन जिसे काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये फ्यू यूज करते हैं. लेफ्ट टू प्रिपेयर फ्यू फॉर हर एग्जाम. राइट. तो चलिए डियर स्टूडेंट, आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला, फ्यू और लिटिल अच्छे से. तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा. ठीक है. दोस्तों तक शेयर करते जाइएगा. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.